बैंगन की सब्जी तो आपने ना जाने कितनी बार खाई होगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से आप अपने घर पर सब्जी बनाकर देखिए, आप हर बार इस तरह की सब्जी को खाना पसंद करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ निकिता त्यागी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मसालेदार मैजिक में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बैंगन की दही वाली मसालेदार सब्जी, जिसे बनाना काफी आसान है और खाने में एकदम लाजवाब लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अब बैंगन की सब्जी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें बैंगन ही चाहिए होंगे। तो इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के यहाँ पर बैंगन ले लिए हैं और ये लगभग मतलब आधा किलो के करीब में बैंगन है। इन्हें मैंने पानी से पहले अच्छे से धो लिया था, उसके बाद इसका जो डाठल होता है उसके ऊपर के पार्ट को इस तरह से मैं कट कर लूँगी इस तरह से, और बाकी का डांठल हम जॉइंट रहने देंगे इसमें। और अब बैंगन को हम बीच से कट कर लेंगे 2 पीसीस में, और अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि बैंगन के अंदर कीड़ा आ जाता है, तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है। और देखने के बाद हम अपने बैंगन को इस तरह से लंबे लंबे पीसीस में कर लेंगे कट इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे बैंगन को भी कट कर लेंगे। इसके ऊपर के पार्ट को पहले हटा देंगे, उसके बाद बैंगन को हम कट कर लेंगे, और अपने सभी बैंगनों को हम इसी तरह से कर लेंगे लंबे लंबे पीसीस में कट। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने सभी बैंगनों को कट कर लिया है इस तरह से। तो हमारे बैंगन यहाँ कट हैं, तो अब चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। हम यहाँ पर जो बैंगन बनाने वाले हैं वो फ्राई करके बनाएंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में यहाँ पर तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, उसे पहले अच्छे से गरम किया था ताकि उसकी कच्चेपन की महक बिल्कुल निकल जाए। उसके बाद इन बैंगनों को इसमें कर दिया है मैंने ऐड, सारे बैंगन इसमें ऐड कर दूँगी और इन्हें अच्छे से हम चला लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हमें यहाँ पर बैंगनों को भूनना है, यानी तेल में जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेना है इस तरह से। गैस की फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर हम अपने बैंगनों को अच्छे से यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो लगभग 3 मिनट हो गई हैं बैंगनों को भूनते हुए, तो अब बैंगनों को इन्हें निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो बैंगन हमारे यहाँ भून गए हैं और इन्हें मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है इस तरह से, देखो। और अब फिर से हम इसी पैन में थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे और इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जितने हमारा तेल गर्म होता है इतने हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हम दही वाले बैंगन बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी दही ली है और उसमें मैंने आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, साथ ही आधा चम्मच इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल लें, थोड़ा सा यहाँ पर गर्म मसाला ऐड किया है, और ये है किचन किंग। किचन किंग हो आपके पास तो आप उसे डाल लें, नहीं तो आप कोई भी सब्जी मसाला इसमें डाल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर हमें मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। तो इस तरह से दही में हमारे सभी मसाले मिक्स हो गए हैं, ये देखो आप। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। उधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो गर्म तेल में हमने यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और जीरे को भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हींग डाला है, और ये ली है मैंने चॉप हुई प्याज। तो प्याज को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है, तो मैंने तो इन्हें जो चॉपर कटर है ये वाला मेरे पास, तो मैंने इसमें चॉप किया था। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, आप या तो बारीक बारीक हाथ से ही चॉप कर लें, या फिर आप इस तरह का कोई कटर वगैरह हो तो उसमें आप बारीक बारीक प्याज को चॉप कर लें। साथ ही मैंने प्याज को इसमें ऐड कर दिया है। तो मैं बता दूँ आपको, मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी जो मैंने बारीक बारीक चॉप करी है, और अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये अदरक और लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट इस तरह से, और इसे भी अच्छे से हम यहाँ पर भून लेंगे। प्याज को अच्छे से भून लेना है। प्याज हमारी जब अच्छे से भून जाएगी, मतलब हमें तब तक भूनना है जब तक हमारी प्याज पर ये गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो इस तरह से हमारी प्याज जो है वो गोल्डन हो गई है। तो अब इसमें डाल देते हैं हम ये हमारा दही वाला मसाला जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है ना, इस मसाले को डाल देंगे अच्छे से पोंछ कर। और जो कटोरी में थोड़ा बहुत ये लगा रह गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी को इस तरह से चलाते हुए इस मसाले में ही ऐड कर देंगे इस तरह से। गैस को मैं आपको बता दूं कि मैंने दही डालते समय गैस को बंद कर दिया था ताकि हमारी जो ये दही है ना ये फटे ना। तो इस तरह से यहाँ पे पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम गैस को यहाँ पर चलाएंगे। तो मसाले को मैंने अच्छे से यहाँ मिक्स कर लिया है, तो मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। तो गैस ऑन हो गई है, इसे अच्छे से हम यहाँ पर भून लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए।
और लगभग 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे ये बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं, उन बैंगनों को इसमें डाल देंगे सभी को इस तरह से, और इसे अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे इस तरह से। गैस की फ्लेम को यहाँ मैंने लो कर दिया है और लो फ्लेम पर हम इस सब्जी को बनाएंगे। पहले बैंगन को अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो मसाला है ना बैंगन पर अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से बैंगन को हम चला देंगे अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने नमक ऐड नहीं करा था, तो नमक मैं अब डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि अगर मैं पहले नमक डाल देती हूँ मसाले में तो बैंगन जो है ना बिल्कुल घुट जाते, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते। तो हमें बिल्कुल घुटे हुए बैंगन नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम भरता नहीं बना रहे हैं, हम भरवा मसालेदार यहाँ पर बैंगन बना रहे हैं। तो इसलिए नमक मैंने बाद में डाला है और लो फ्लेम पर ही अब हम इसे सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। हमारे जो बैंगन हैं वो लगभग फ्राई होने में ही 60 से 70% तक पक गए थे, बस 20 से 30% ही हमें यहाँ पर इन्हें पकाना है। तो इसे ढक देती हूँ मैं, ढककर इसे 2 से 3 मिनट हम ऐसे ही पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में इसे एक बार चला देंगे हम, ताकि सब्जी जो है वो नीचे तले में लगे ना। आपने देखा कि मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है, ना ही पानी आपको डालना है, क्योंकि पानी आप डालेंगे तो आपके बैंगन में ना वो स्वाद नहीं आएगा, ना ही वो देखने में ऐसे रहेंगे जैसे कि अब आपको लग रहे हैं ना ये बैंगन अलग अलग पीसीस। तो इस तरह से ना होकर आपके बैंगन जो हैं बिल्कुल घुट जाएंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने बैंगन का भरता बनाया हो। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे चला दूंगी मैं और फिर से मैं इसे ढककर पका लूंगी। लगभग 3 मिनट का टाइम लगेगा इन्हें पकने में। तो 3 मिनट पका लेने के बाद अब इसे हटाकर देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो बैंगन हैं ये लगभग पक ही गए हैं। लगभग क्या मतलब, ये पक ही गए हैं। तो यहाँ पर हम गैस को कर देंगे बंद और जो बैंगन है हमारे इन पर हमें अब हरा धनिया डालना है। तो इस तरह से मैं हरे धनिया की थोड़ी पत्तियाँ ले लेती हूँ इस तरह से, और अपने बैंगनों पर ऊपर से डाल देती हूँ। और गैस को यहाँ पर हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारी जो बैंगन की सब्जी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो हरे धनिया को भी डालकर अच्छे से कर लेते हैं मिक्स इस तरह से। तो ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म दही वाली बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रोटी पराठे या चावलों के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।